1947 को महाराजा हरि सिंह ने जो है जे एंड के को जम्मू भारत सरकार भारत के साथ मिलाया था, लेकिन उस समय बड़े हमारा जो अनफॉर्चुनेट रहा कि जो पूरा हमारा ईओजे के था उसको अपने साथ नहीं मिला सके। आज हमने संकल्प किया हुआ है कि सर किसी तरीके से जो हमारा आज़ाद कश्मीर है उसको जे एंड के साथ मिलाएंगे और जे एंड के जो कुदरती भारत के साथ मिल जाएगा, एक पूरा अखंड भारत द्वारा देखने को मिलेगा। हमारे जो बुजुर्गों ने कुर्बानियाँ दी, जो शहीद हुए, दो दो वस्त्रों में यहाँ पर पहुँचे थे। हमें पूरी उम्मीद है कि जितना जज्बा आज देख रहे हैं पूरी रैली में, युवा भी हैं, बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं, सारी का यही संकल्प है कि आज़ाद कश्मीर को भारत के साथ मिलाया जाए। और जो आज की मौजूदा सरकार है, चाहे वो जम्मू कश्मीर की है या केंद्र सरकार के, उन सभी का ये एक डिटर्मिनेशन है कि आज़ाद कश्मीर को आज़ाद करा के कि उन्होंने बोला कि मैं खुद जाता हूं फ्रंट के ऊपर और वो यूनिफॉर्म पहन के तैयार हो गए। तो जनरल राजेंद्र सिंह जो उस वक्त ऑफिशिएटिंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, उन्होंने महाराजा को बोला कि आप नहीं जाएंगे, मैं जाऊंगा। और दुनिया के किसी भी कोई मिसाल नहीं मिलती है कि जहां एक जनरल ने ट्रुप्स को फ्रंट लाइन पर जाकर के लीड किया हो। तो उन्होंने 80 आदमी मिले उनको, कोई रिजर्व बटालियन नहीं थी, कोई रिजर्व ट्रुप्स नहीं थे, सिर्फ 80 जवान चुने जो गार्ड वार्ड के इधर उधर से, उनको लेकर के उन्होंने 27 अक्टूबर की सुबह तक इन दुश्मन के 6000 लड़ाके जो मुजफ्फराबाद कश्मीर रोड पे थे 300 गाड़ियों के अंदर उनको रोक के रखा और उसके बाद अपनी शहादत भी दी। और तब तक रोक के रखा जब तक हिंदुस्तान की आर्मी श्रीनगर में लैंड नहीं करती थी और कश्मीर को बचाती नहीं थी। तो सवाल ये है कि अगर कश्मीर भारत का मुकुट है तो आपको ये किसने दिया? ये आपको ब्रिगेडियर राजेंद्र ने अपनी जान की बाजी लगा के दिया और अनयूजुअल सर्कमस्टांसिस में दिया। उनके पास कोई बटालियन ब्रिगेड नहीं था करने के लिए, 80 बंदे थे गिने चुने इधर उधर के, उनके साथ उनको रोका, तो ये बहुत बड़ी बात थी। और अगर ये भारत का मुकुट ब्रिगेडियर राजेंद्र ने दिया है तो आज ब्रिगेडियर राजेंद्र को ज़रूर भारत रत्न भी मिलना चाहिए।